Fine? ओके प्रीति, आप गुजरात से आई हैं, इतनी दूर का सफ़र करके, और बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग है आपकी और बहुत ही सुंदर पेंटेशन है। आप अपने इस पेंटिंग के बारे में, अपनी थीम के बारे में बताना चाहेंगी? कौन सी? मैं आपको बताना चाहूँगी, सीता माता अशोक वाटिका में बैठी है, जहाँ पर मंदोदरी आती है, उन्हें एक रात को सपना आता है, बहुत डरावना सपना आता है अपने हस्बैंड के बारे में। वो एकदम फियरफुल से एकदम सपना आता है कि रावण, एकदम डरावना सपने में। तो वो सीता जी के पास दौड़ी चली आती है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं क्यों जा रही हूँ सीता के पास, लेकिन फिर भी वो आती है, वो उनके पास बैठकर उनके समक्ष बैठती है और कहती है कि सीता माँ, मैं मुझे ऐसा सपना क्यों आया है, मुझे लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। और सीता जी कहती है कि जिस तरह से तुम्हें रावण उठा कर लाया है, जिस तरह से रावण तुम्हें उठा कर लाया है, वैसे उसने कितनी और औरतों के साथ ऐसा किया, तुमसे तो उसने शादी कर ली, लेकिन ऐसी कितनी सारी औरतें हैं जिनके साथ वो कुकृत्य करता है और वो ऐसे ही रह रहे हैं, तो ये समाज में अच्छी बात नहीं है, जो ये समाज को ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। तुम्हें अपने पति की तरफ, तुम्हारी यानी कि तुम्हें उसके उस कृत्य को रोकना होगा। तो कहीं पे सीता को तब भी इतना मॉडर्न बताया गया कि एक लेडी दूसरी लेडी की हेल्प करे, तो वो चाहे अगर उस वक्त में अगर उसका हस्बैंड गलत है, तो वो अपने हस्बैंड के को भी रिजेक्ट कर सके, उसके गलत थॉट्स को रिजेक्ट कर सके, और अपनी जो सच्चाई या एक औरत होने की जो सच्चाई है, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है, वो उसको प्रमोट किया जाए। अजब, तो ये वुमनहुड का मुझे लगता है सबसे खूबसूरत पेंटेशन है, जिसमें जहाँ सीता लाई गई थी वो रावण का घर था, जहाँ उनको किडनैप किया गया था, और उन्हीं की पत्नी उनसे सलाह लेने आती है कि वो किस तरीके से इस दुविधा से निकले। मुझे लगता है अपने आप में ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है, और मिथिला की सीता को बहुत ही सुंदर लेडी ऑफ विजडम रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू।